थर्मल एक्सपेंशन के अंदर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो नीट मेंस एनसीईआरटी कहीं भी आएगा, वो ये क्वेश्चन है। आप कहेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका ना शॉर्टकट याद करेंगे। तो ये सिर्फ बताने के लिए बताया हुआ है कि एग्जैक्टली हुआ कैसे है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ना रॉड है जिसकी लेंथ है L1 और जिसका एक्सपेंशन का कोफिशेंट लीनियर है L1। आपके पास एक और रॉड है L2 और इसका कोफिशेंट क्या है? L2। L1 L2 से ये पता लगता है कि ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई रॉड है, कोई ज़्यादा एक्सपैंड होगी कोई कम एक्सपैंड होगी जब राइजिंग टेम्परेचर दोनों में सेम होगा। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, आपने क्या किया, इन दोनों रॉड्स को मिला दिया, मिला के लेंथ क्या होगी? L1 + L2। एक नई रॉड ले आए L1 + L2। आप ये चाहते हो कि ये वो काम करे जो ये दो इंडिविजुअल रॉड्स अलग अलग करती थी, वो काम ये अकेली करते। तो आपको ये बताना है कि इसका अल्फा अफेक्टिव क्या होगा। अफेक्टिव का मतलब होता है इक्विवेलेंट अल्फा क्या होगा। आपने सुना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी होती है, इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस भी होता है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है। अब ये इक्विवेलेंट अल्फा पूछ रहे क्या है कि अगर दो अलग अलग मटेरियल की जगह एक मटेरियल यूज किया जाए उसका अफेक्टिव अल्फा क्या होगा। तो काम क्या करना है, इन रॉड्स ने एक ही काम करना है, अल्फा के क्वेश्चन में एक्सपेंशन ही करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अल्फा की प्रॉब्लम एक्सपेंशन होने वाली है। तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम ये करने वाले हैं कि पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले एक रॉड ले आते हैं L1, इस रॉड को टेम्परेचर 0°C पे रखते हैं। तो एक रॉड ली L1 जिसका टेम्परेचर क्या है, 0°C, और इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं T°C। टेम्परेचर बढ़ गया तो लेंथ भी बढ़ गई, लेंथ कितनी होगी L1'। तो नई लेंथ L1' क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ L1 इंटू 1 + α1 इंटू राइजिंग टेम्परेचर कितना, T-0। ठीक है यहां तक? तो आपने ये इक्वेशन निकाल दी। फिर एक काम करो, अब दूसरी रॉड लेके आओ अलग से L2 वाली, तो उसकी नई लेंथ क्या होगी, L2 1 + α2 इंटू टी। तो आपने नई लेंथ निकाल दी फर्स्ट रॉड की, नई लेंथ निकाल दी सेकेंड रॉड की जब टेम्परेचर 0°C कर दिया। तो दोनों से अगर मैंने ये पूछा कि दोनों को अलग अलग गर्म किया, आपने कहा हाँ दोनों को अलग अलग गर्म किया, तो दोनों की नई लेंथ क्या है, आपने कहा ये नई लेंथ है। तो मैंने कहा टोटल लेंथ कितनी है नई, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया और ये ऐड करके रिजल्ट्स में से इसे ब्रैकेट को ओपन किया, L1 + L2 वाली टर्म इधर आ गई, टी कॉमन आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो नई लेंथ इसके इक्वल आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है इतना लंबा कर क्यों रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, आप बस ये बताओ कि आपकी नई लेंथ है कितनी। मैंने कहा L1 + L2। बस कहता जी मेरे को दो अलग अलग मत दो, मेरे को एक ही रॉड दे दो L1 + L2, उसका टेम्परेचर मान लो 0°C है और मैं इसका टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज करूंगा जितना आपने दो इंडिविजुअल को किया था। इंडिविजुअल क्या किया था, T°C। तो ये L1 + L2 रॉड लंबी हो जाएगी, कितनी हो गई, ये न्यू लेंथ जो होगी वो ओरिजिनल लेंथ L1 + L2 इंटू 1 + α अफेक्टिव जो भी होगा इंटू टी। तो एक ही गो में आंसर निकाल दिया इसने। क्या इस स्टेप समझ में आ रहा है, ओरिजिनल लेंथ उसने L1 + L2 ही ले ली और उसका इकट्ठा अल्फा ले लिया। अब नई लेंथ ये भी निकली लेकिन ये अलग अलग निकली, नई लेंथ इकट्ठी भी निकल गई। अब लेंथ नई तो बराबर ही होगी क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो बराबर ही है। तो दोनों न्यू लेंथ और न्यू लेंथ जो हमने निकाली दोनों को इक्वेट कर दो, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अफेक्टिव क्या आएगा ये इसके नीचे आ गया। आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बुकलेट में सीधा ये फॉर्मूला नोट करो, डायरेक्ट आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा ऐसा जिसमें ये बनाए कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L1 है और इसमें α1 है, एक रॉड है L2, डायग्राम साथ बना लें α2, और मैं ये चाहता हूँ कि ये कंप्लीट रॉड बन जाए α1 + L1 + L2, तो अल्फा अफेक्टिव ऐसे। तो अल्फा अफेक्टिव का ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, आपको मेथड NCERT में कोई पूछेगा नहीं, कंपटीशन में सीधा इसका ऑब्जेक्टिव आएगा और सीधा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन मार्क करना है। तो फॉर्मूला बुकलेट में ही इसे नोट कर लें। प्रूफ आपको समझाने के लिए, भूल भाल गए या कोई और टेक्निक तो एटलीस्ट आनी चाहिए आपको, टेक्निक समझाने के लिए जब ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में देखेंगे आपको याद आ जाएगा हमने किया हुआ है।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, ये भी कंपटीशन अगेन, ये नॉट फॉर नीट, नॉट फॉर एनसीईआरटी, मेंस की प्रॉब्लम है, मेंस में चलेगी ये, कैलकुलेशन बढ़ी है ना इसलिए। हाँ मेथड समझ लें, मेथड समझने को नुकसान नहीं है, कोई छोटा क्वेश्चन आज मैं कह नहीं सकता। इसमें एक रॉड है एल, एक रॉड है एल और एक और रॉड है एल, तीन रॉड है। ये मटेरियल अल्फा वन की बनी हुई है, ये मटेरियल अल्फा वन की बनी हुई है, लेकिन ये मटेरियल अल्फा टू की बनी हुई है। इन दोनों इनकी एक्सपेंशन एक जैसी होगी, इसकी एक्सपेंशन अलग होगी, अलग अलग मटेरियल्स हैं। वो कहते हैं आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो इन तीनों रॉड्स का, एच नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होती इस क्वेश्चन में। आप कितना भी टेम्परेचर चेंज कर लो, जबकि ऐसा होता है टेम्परेचर इंक्रीज, तीनों रॉड्स लंबी हो जाएंगी तो एच नॉट पे फर्क तो पड़ना चाहिए। वो कहता ना एच नॉट गिवन है क्वेश्चन में, एच नॉट पे कोई फर्क नहीं है, एच नॉट रिमेन सेम। तो बताओ इसमें अल्फा वन और अल्फा टू की रेशियो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है आप ये बताओ, जब ये क्वेश्चन होते हैं आपको टेम्परेचर इंक्रीज तो करना ही पड़ता है, तो आप पहला टेम्परेचर स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया करें। तो मान लो ये तीन रॉड्स किस पे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, अभी मैंने कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो बोलो इसमें एच नॉट क्या होगा, पाइथागोरस लगा दो। कैसे, ये एल है, ये एल बाई टू है, तो एच नॉट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये रहा। ठीक है तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, एच नॉट आ गया। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो मैंने टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, एल डैश, एल वन प्लस एल्फा वन इंटू टी हो गई। ठीक है और इसकी लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ आ गई, इसकी लेंथ क्या होगी, एल बाई टू इंटू वन प्लस एल्फा टू इंटू टी डिग्री सेल्सियस हो गई। इसकी लेंथ एल्फा टू के हिसाब से बढ़ेगी, इसकी लेंथ एल्फा वन के हिसाब से बढ़ेगी। आपको क्या निकालना है, एच नॉट निकालना है। तो एच नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एच नॉट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, ये क्या है, एल इंटू वन प्लस एल्फा वन इंटू टी का स्क्वायर माइनस एल बाय टू इंटू वन प्लस एल्फा टू इंटू टी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी मैंने फिर से, अब नई वैल्यू के साथ पाइथागोरस लगी, ये नई लेंथ है, ये नई लेंथ है, तो एच नॉट की वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो बड़ी सी टर्म लिखी हुई है ना असाइनमेंट में, ये वही लिखी हुई है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन को दो मिनट छोड़ दिया कर दो। तो एच नॉट पहले निकल गया, एच नॉट अब निकल गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एच नॉट को चेंज करना ही नहीं, तो पुराना एच नॉट और नया एच नॉट को इक्वेट कर दिया, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया। मैथ जो नॉन मेडिकल के लोग हैं, टू कैसे एडजस्ट किया, बाइनोमियल, क्योंकि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे ही इसमें टू को कैसे एडजस्ट किया, बाइनोमियल। तो फिर से स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करके सॉल्व किया, अपने आप प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, निकाल लेना अल्फा में। आप कैलकुलेशन याद नहीं कर सकते, सिर्फ मेथड सीख सकते हो, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। वो करके भी दिखा दूंगा क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक?